हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, माँ दुर्गा के प्रति अपनी भक्ति और आस्था प्रकट करने के लिए माँ के भक्त नवरात्रि के दौरान व्रत जरूर रखते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिनों तक व्रत रखते हैं तो कुछ नवरात्रि के पहले और आखिरी दिन उपवास करते हैं। ऐसे में प्रेग्नेंट महिला के लिए हमेशा से ही व्रत रखना सही नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के चलते कई महिलाएं पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर व्रत रख लेती हैं, तो कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं घंटे भर भी भूखी नहीं रह पाती हैं। करवा चौथ, शिवरात्रि, अहोई अष्टमी, जन्माष्टमी जैसे एक एक दिन के व्रत भी कई महिलाएं रख लेती हैं, लेकिन नवरात्रि, रमजान और छठ जैसे लंबे व्रत को लेकर प्रेग्नेंट महिलाओं को कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि इससे उनके स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। साथ ही व्रत रखने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर बात कर लीजिए कि आपको भूखा प्यासा रहना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि कई महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान भूखा रहने से एसिडिटी, बेहोशी, जी मचलने और चक्कर जैसी शिकायतें रहती हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और इस नवरात्रि का व्रत रखना चाहती हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे नियम जिन्हें शारदीय नवरात्रि के उपवास रखने से पहले ध्यान में जरूर रखने चाहिए। आपको बता दें कि नवरात्रि के व्रत में फलाहार और दूध से बनी चीजें खा सकते हैं। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उस वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप उस वीडियो का फायदा उठा सके। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, व्रत के दौरान भूख के एहसास को कम करने के लिए महिलाएं चाय का सेवन ज्यादा करती हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ऐसा ना करें, दिन में केवल एक या दो बार ही चाय पिए। ज्यादा चाय से रिहाइड्रेशन होती है, जो आपके और आपके बच्चे के लिए सही नहीं है। नंबर 2, कई महिलाएं नवरात्रि के दौरान लौंग के जोड़े या फिर निर्जला व्रत रखती हैं, लेकिन आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, आप खूब सारा पानी पीजिए। नंबर 3, नवरात्रि हो या फिर कोई भी व्रत हो, सभी में मीठे का सेवन ज्यादा होता है, लेकिन आप इससे बचें। इससे आपको जी मचलने की शिकायत हो सकती है। इसके बजाय आप फल खाएं और नेचुरल शुगर आपको कभी भी नुकसान नहीं करेगी। आप उस नेचुरल शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, नवरात्रि के व्रत के दौरान आप सिर्फ फल और व्रत में खाई जाने वाली गिनी चुनी चीजों पर ही निर्भर रहती हैं, इसलिए शारीरिक परिश्रम कम करें, जैसे कि कम चलना और घूमना, जिससे थकान कम हो, लेकिन लगातार बैठे भी नहीं रहना है, इससे आपको एसिडिटी की समस्या भी हो सकती है। आप गिने चुने काम कर सकती हैं, जिससे आपको थकावट ना हो। नंबर 5, शरीर में पानी की मात्रा कम ना हो, इसके लिए नारियल पानी का सेवन जरूर करें। ये स्वाद में अच्छा होता है और साथ ही साथ ये आपके पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाता है। नंबर 6, दोस्तों, वैसे तो व्रत में सिर्फ सुबह और शाम को खाना खाने की मान्यता है, लेकिन आप हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहिए, जैसे कि फल और व्रत में जो चीजें बनती हैं, आप उन चीजों का सेवन कर सकती हैं। इससे आपके शरीर में कमजोरी महसूस नहीं होगी। नंबर 7, कोई भी ऐसा थकने वाला काम ना करें जिससे आपको पसीना आए और थकावट महसूस हो। ज्यादा भागदौड़ वाला काम भी आपको नहीं करना है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।